अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव और इसके लिए मैं बना रही हूँ ये यखनी। ये मैंने गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला भी है इसमें। अब मैं आपको इसकी चीज़ें बताती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ साबुत प्याज छोटी सी, दो अदर गरम मसाला, ये एक तेज़पत्ता, छोटी काली मिर्च, एक दालचीनी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया साबुत, इलायची चार पाँच, दो छोटी इलायचियाँ, एक टेस्पून, ये सब डालेंगे पूरा गर्म मसाला इसके अंदर। हम इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक, एक दो, हम इसमें डालेंगे नमक, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि गोश भी गल जाए, हमारा यखनी भी बन जाए। मैं इसमें डाल रही हूँ ये बड़ी इलायची। मैं रिपीट कर देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें मैंने डाले बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे, काली मिर्चे गोल वाली, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक तेज़पत्ता, ज़ीरा, सौंफ, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया साबुत। कर रही हूँ चावल की तैयारी। ये मैंने मीडियम साइज की दो प्याज ले ली थी, इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ और इसमें मैं डालती हूँ मसाला, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, तेज़पात है, एक बार धनिया का पुदीना है और लौंग है। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। 2-3 मिनट लाजमी भूनिएगा, हमारा थोड़ा अच्छा पक जाएगा। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भून लिया, मैं इसमें डाल रही हूँ मीठी दही। दही डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भून गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। आलू भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। मेरे घर में बच्चे हैं तो इस वजह से मैं आलू ऐड कर रही हूँ। ये दही डाल के मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुलाव मसाला, अगर ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। मगर इससे जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ ताकि हमारे आलू जल जाए। मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रखूँगी। ये देखिए आलू जल गए हमारे, मैंने इनको अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोश्त, यखनी अलग कर दी है मैंने और ये गोश्त निकाल दिया। अब मैं इसमें डाल के और इसको भूनूँगी, गोश्त को अच्छी तरीके से भूनूँगी। मैंने ये गोश्त अच्छी तरीके से मसाले में भून लिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यखनी। यखनी में जो हमने गरम मसाला डाला था वो सब हमने निकाल दिया, खाली यखनी ऐड की है मैंने इसमें। ये देखिए मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी थी, यखनी अब पकने लग गई है। अब इस स्टेज पे हम नमक चेक कर लेंगे, तो नमक हमारा कम है। अब मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यखनी का पानी पकना शुरू हो गया, अब मैं डाली इसमें हरी मिर्चें और इसके साथ ही मैं डाली हूँ चावल, चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है और ये तकरीबन हो गए। अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ, ढक्कन पे मैंने गीला कपड़ा कर लिया तो ढक्कन लगा दूँगी मैं इसको, और इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है और मीडियम आँच पर रख दूँगी मैं ताकि दम पे आ जाए।